थक गए हो? हाँ, पेपर तो आपने सही दिया है, अब थकान तो होना नेचुरल है, मेहनत बहुत कर दी है आपने। ठीक है, चलो वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं। आंसर की सारे बच्चों को बता देता हूँ, फिर वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। और NTA की भी आंसर की आने वाली है, उसके बाद फिर आपको मैं बताता रहूँगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए वॉइस आ रही है क्लियर, शुरू कर देते हैं। नीट का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का ही सॉल्व करते हैं। चलो वही आते रहना फिर। कोई है बच्चा? अच्छा, समीर है केवल, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। हाँ जी, देखो मॉर्निंग में ये क्वेश्चन नहीं थे ना, इसलिए मैंने कहा दोबारा से कराता हूँ आपको। चलो भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इनमें से मॉलिक्यूल को आइडेंटिटी करना है, कौन सा वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, वो सॉरी जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई टू। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का एक हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टू। तो दो हीलियम में कितने हो गए? फोर। तो फोर को कैसे बनाओगे आप लोग? सिग्मा वन एस टू, सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग टू। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने हमारे पास? टू। एंटी बॉन्डिंग में कितने? टू बाई टू, कितना आ जाएगा? जीरो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? जीरो। सारे बच्चे जानते हैं लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर वन, कार्बन का टू, ऑक्सीजन का टू। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा दैट विल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, वहाँ सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है जहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए, आंसर की आपने कर ली होंगी, उसके बाद थोड़ा सा करते हैं। 92 का ही है। ठीक है, अब देखो 92 में क्या है, जैसे फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर NaOH। तो सबसे पहले क्या करो, निकल हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, इसको हमने डिसोसिएट कराया, ये डिसोसिएट होने पर हमारे पास क्या हुआ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा समझेंगे, क्वेश्चन को समझना क्या है आपको। जैसे निकल हाइड्रोक्साइड है, मान लो पहले कोई सुगर है, चीनी डाल रखी थी आपने और पानी कम था, तो वहाँ पर वो PPT बन गया। फिर आपने क्या किया, NaOH के एक मोल को 10 लीटर पानी में डाला, तो इसमें 0.1 मोलर बोलेंगे। फिर दोबारा से NaOH डाला, तो इसमें एक कॉमन आइन इफेक्ट काम करेगा OH वाला। तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, निकल कैसा है? NiOH स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा। अब अगर हम लोग यहाँ देखें, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी क्या आ जाएगी? 2S। अब क्या हुआ, फिर दोबारा से हमने NaOH डाला, तो NaOH स्ट्रॉन्ग था, ये यहाँ पे इस तरीके से बना। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो कितने अमाउंट का डाला गया ये OH, इक्विलिब्रियम पे डाला गया 0.1 मोलर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? KSP, इसका निकालेंगे हम लोग KSP। तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? KSP इज इक्वल टू आ जाएगा एक तो S इंटू 2S प्लस 0.1। अच्छा, जैसे कोई बच्चा नहीं जानता उसको दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई सॉल्ट दे रखा है MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है, और आपसे पूछे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा, तो आपने क्या करना होता था कि यहाँ पर Mg प्लस 2 क्लोराइड आइंस, तो यहाँ पर S और यहाँ पर 2S। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? KSP अगर निकालते थे तो इसका 4S, क्योंकि इसका जो जितना बार भी मोल्स था यहाँ पे ऊपर उतना ही लगाते थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4S³। इस तरीके से करते थे, नहीं करते थे? सेम यहाँ पे है,
कि इसकी वैल्यू हमने इस तरीके से कर ली, और ये क्या था यहाँ पे 2s बेसिकली, तो दिस इज़ द OH आयन कंसंट्रेशन 2s यानी इसका स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया, एस इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब हमारे पास के एस पी कितना दे रखा है, 2 × 10⁻¹⁵, ये एनसीईआरटी की बुक में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। अब एस निकालेंगे तो एस को हम और क्या लिख सकते हैं इधर, ठीक है, एस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 × 10⁻¹⁵ डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻¹⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻²। ये माइनस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻¹⁶, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला, तो 92 का दिस वन होगा। अब आगे देखें हम लोग इसी में 93, देखो 93 में ऐसा पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। अगर करेक्ट स्टेटमेंट की हम लोग बात करें तो CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, नो, ये वाला गलत है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन C60, देखो एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड, एक होता है फुलरेंस। फुलरेंस की अगर हम बात करें C60 की, तो उसमें टोटल रिंग कितनी होती है, 32। 32 रिंग में से क्या होता है कि 20 रिंग जो होती हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, ध्यान रखना 6 मेंबर्ड रिंग, जबकि 12 रिंग कैसी होती हैं उसमें 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। टोटल रिंग कितनी हो गई, 32, जिसमें से 20 जो होती हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, 12 जो होती हैं वो कैसी होती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 12 कह रहा है 6 मेंबर्ड रिंग एंड 20 कह रहा है 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। ZSM इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट्स यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल, बिल्कुल यूज़ किया जाता है। CO इज कलरलेस एडलेस, बिल्कुल यूज होती है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, C and D विल बी द आंसर। नाइन्टी फोर कर लोगे, ईजी है, ठीक है। अगर हम बात करें सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बना, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल जी आर है ना गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी सेम टेम्परेचर पे क्या होगी। सारे बच्चे जानते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC, ये है। तो हम लोग R की वैल्यू कितनी यूज़ की जानी है इसमें, सारी R की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ, ठीक है, नेचुरल लॉग को बाहर लिख लेते हैं, 2 × कितना यूज़ होगा, KC की वैल्यू दे रखी है। ये तो आपको सॉल्व भी नहीं करवाया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो कौन सा आंसर होगा, ये तो है नहीं, इसमें दोनों में देखना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, है ना, माइनस में ही है, जबकि क्या होगा, माइनस वाला है, तो 94 का हो जाएगा हमारे पास दिस वन। नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, कोई कंपाउंड है एक्स, उसमें सीक्वेंस जाना है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है कि या तो एच न्यू के साथ हो ये, या दूसरा तरीका क्या है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो। मान लीजिए अगर ये रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, उस केस में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये क्या हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन दो तरीके से कर लेते हैं पहले, फिर भी इसका आंसर तो बताना ही है। मान लीजिए ये इस तरीके से होती, और हमने कोई लुईस एसिड ले रखा है FeCl3, मान लीजिए डार्क में हम लोग करा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कौन से प्रोडक्ट बनते, इस तरीके से, तो पैरा प्रोडक्ट बनता। अगर हमने यहाँ BR ले रखा है मान लीजिए, तो BR बनेगा, कुछ भी ले रखा है, यानी कि ये रिएक्शन किस पाथ को फॉलो कर रही है,
ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कर रही है, ये मेजर है ये माइनर है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ लाइट, अगर यहाँ पे सनलाइट हम लोग यूज़ कर लेते, फॉर एग्जांपल के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एल्केन में जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए अगर हमें बना के दे रखा है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के केस में क्या करेंगे कि अगर हमने एक लगाया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक क्लोरीन लगाया, तो उसके केस में आता हमारे पास OH, सिंगल OH आता, जबकि वो तो ऐसा है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं इसमें से दो हटाता हूँ, इसी में से मैं दो हाइड्रोजन को हटाता हूँ और दो हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या लगा देता हूँ, इधर ये हाइड्रोजन है, दिस इज द CH, और दो हाइड्रोजन को हटाने के बाद मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। अब हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर दो OH आ जाएंगे। सारे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो कौन सा वाला होगा हमारे पास, CHCl2, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे सर इसका क्या होगा, ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो देखो अगर हम लोग मान लीजिए सारे हटा दें हाइड्रोजन और यहाँ पर CCl3 लग जाता, इस तरीके से हो जाता, तो उसके केस में क्या होता, 3OH होते, और 3OH में एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कौन सा वाला आंसर होगा हमारे पास, थर्ड वन वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाइन्टी फाइव हो गया, 96 करते हैं। देखिए हमारे पास 96 ही है, की अगर हम बात करें तो मेंडलीवियम कौन सा होता है, 101, लॉरेंसियम 103, सीवॉर्गियम 106, दिस वन 110, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, सारे बच्चे जानते हैं ये तो सही है, अननिल यूनियम, अननियम यानी कि सही लगा हुआ है, यहाँ पे इसको अन बोलते हैं, निल बोलते हैं, ऐसा करके, तो अननिल ट्रिवियम, ये भी सही है, ये भी सही है, इनकरेक्ट पूछा ना, हाँ। अब यहाँ पे कहेंगे ये भी सही है, तो फिर कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, डी, तो डी यानी कि फोर्थ, ठीक है, ये वाला होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नाइन्टी फाइव हो गया, 96 हो गया, 97 देखो, 97 की बात करें, 97 में क्या है, BCC बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें एज सेल एज दे रखी है इतना, यानी एज लेंथ दे रखी है 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज, BCC के लिए क्या होता है, 4R इज इक्वल टू रूट ऑफ 3A। अब मान लीजिए R पूछा है इसमें, तो क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू 288, ठीक है, तो कौन सा वाला आंसर होगा, फर्स्ट वन, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, 97 हो गया, देखो 98, अब बात करते हैं यहां पर 98 पे, 98 का आंसर क्या होगा, देखो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मॉलिक्यूल्स विल बी हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अब जीरो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखो अमोनिया आ रहा है पहले में, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो होगा, ठीक है, वाटर का भी होगा, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड आया है, मतलब लीनियर है, चलो इसका जीरो मान लेते, लेकिन इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, लेकिन इसका तो होगा, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या है, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर,
ठीक है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो। बेरिलियम लीनियर, डाइफ्लोराइड जीरो, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर जीरो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जीरो, क्यों, एक दूसरे में कैंसिलेशन हो जाएगा, जितनी डिस्टेंस है ये खींचेगा उतनी डिस्टेंस है ये खींचेगा, चार्ज एंड डिस्टेंस जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, कौन सा हो जाएगा हमारे पास आंसर, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया 97, 98 हो गया, 99 देखिए। अब इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेंड विल बी। अगर हम बात करें कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज़ की जा रही है, तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड क्या होता है, नियरली इनर्ट होती है, वो तो कोई फंक्शन करेगी नहीं। तो फिर जैसे एक बॉक्स टाइप का आपने बनाया होगा या बना लिया करो, तो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 डाला गया है, यानी कि H2SO4 में से ऐसे लिख लें सल्फेट आ जाएंगे। ठीक है, वाटर को भी दिखा देते हैं, ऐसे करके लिख लीजिए वाटर को। अब बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है तो हमारे पास क्या है, एनोड है, ये राइट हैंड साइड है तो हमारे पास क्या है, कैथोड है। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ए का ए से इंटरेक्शन होता है और सी का सी से होता है, मतलब जो एनाइन है वो एनोड पर जाएगा और जो कैटाइन है वो कैथोड पर जाएगा। ठीक है, अब बात की जा रही है यहाँ पर कि एनोड पे क्या बनेगा, तो एनाइन विल बी गो टू द एनोड। अब इसमें एनाइन कौन सा है, सल्फेट एंड OH। अगर हम एक सीरीज देखें थोड़ी सी, तो सीरीज में मैं लिख देता हूँ सीरीज भी थोड़ी देर के लिए, हमें एनाइन देखना है। अब जैसे यहाँ लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कुछ के याद रखना ज़रूरी है तो वो आपको याद ही हैं। ठीक है, यहाँ जिंक आ गया, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, ठीक है, Ag है, और अगर बात करें तो दिस वन, अगर बात करें तो दिस वन। ठीक है, तो कौन सा ऊपर आ रहा है, ये हाइड्रोजन है, इसका जीरो होता है, इधर ऊपर है माइनस में होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब कि ऊपर चलने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, या आप बोल सकते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो OH जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। और एक और चीज़ है जो आपको ध्यान होगा, लॉन यूज़ करते हैं हम लोग, लॉन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मतलब लेफ्ट साइड गया होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एनोड पे गया होगा और नेगेटिव उसकी वैल्यू होती है। तो अगर OH और सल्फेट में हम लोग देखें, तो देखो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये ऑक्सीडेशन पे जाएगा, एनोड पर जाएगा। अगर हम इसको डिसोसिएट करें, तो डिसोसिएट करने पर ऑक्सीडेशन में क्या देता है, ये O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, दैट विल बी द आंसर, एनोड पे मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, '96, '97, ये है '99। हाँ, ये हो गया, 100 देखते हैं, 100, 100, ये रहा 100। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें, रिएक्शन विद एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम, ये हमारे पास एसीटोन है, ये हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो क्या होगा, इधर मेटल है तो प्लस, ये माइनस, ऐसे करके टूट जाएगा, इधर ये नेगेटिव प्लस माइनस, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, CH3 सी नेगेटिव ओ, यहाँ पर CH3 है, ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ आइंस जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, दैट इज़ नोन एज द टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ये बोलेंगे, तो इसका आंसर ये हो गया 100।
101 देख लेते हैं। 101 हमारे पास ये है, देखो 101 की बात करें, यहाँ पे इसने पूछा है विच ऑफ द ऑक्सो एसिड सल्फर है ओ लिंकेज, यानी कि परऑक्साइड लिंकेज किस में होगी। इसमें देखोगे आप लोग, इसकी स्ट्रक्चर देख लो, इसमें तो होती नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया अपने पास, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या होगा, SOS बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि इसमें क्या पाया जा रहा है, अब खुद से देख लो, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ओ लिंकेज किस में पाई जाएगी, थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 102 पे देख लीजिए, ये कार्बाइलेमिन टेस्ट लिखा होगा इसमें, ये थोड़ा सा पेपर सही किया है तो उसमें ऐसा हो गया ना। अब सारे बच्चे जानते हैं भाई कार्बाइलेमिन टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में होता है, लेकिन प्राइमरी एमीन होना चाहिए उसके लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्राइमरी एमीन है, ठीक है, NH2, इसमें हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म डाला, प्लस KOH या NaOH लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसमें क्या हो जाएगा, CH3 और CH2NC, ठीक है, इस तरीके से। मैकेनिज्म तो छोड़ दो फिलहाल, आप इतना ही समझ लो। तो प्राइमरी एमीन देता है इसको, तो प्राइमरी एमीन कौन सा है, तो सेकेंडरी ये देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो कौन सा वाला हो जाएगा हमारे पास, लाइक दिस। तो वहाँ पर सफोकेटिंग अडर आता था, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट के लिए प्राइमरी यानी एनिली। देखो नेक्स्ट हो गया 102 103 पे ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये डी एंड एफ ब्लॉक से है और सारे बच्चे ऑलमोस्ट जानते होंगे, करके भी आए होंगे, अब पेपर तो इजी था, इजी है, और ये तो करके ही आना चाहिए था सारे बच्चों को। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयंसेस। अगर क्रोमियम आयन की बात करते हैं हम लोग, तो पहले क्रोमियम का देख लीजिए कितना होता है, इसका होता है 24 का मतलब क्या हो गया, D5 and 4S1, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो D4 सिस्टम आ जाएगा, और D4 सिस्टम में अगर आप लोग करने वाले हैं तो ये एक तो वैसे बता देता हूँ, बाकी तो आप लोग जानती हैं, N+2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4+2, तो कितना आ जाएगा, √24। अगर आप इसको वैसे भी नहीं निकालते हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं, अगर बीक लिगेंड है हमारे पास और सिस्टम बीक लिगेंड है, तो बीक लिगेंड के हिसाब से 1 अनपेयर्ड है तो 1 point something आएगा, 1.73 आएगा, 2 है तो 2 point something, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 point something, 4 है तो 4 point something, तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, सेकेंड वाला, ठीक है, ये ध्यान रख। 103 हो गया, ठीक 104 फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज, आइडियल गैस है कोई भी, एडियाबैटिक कंडीशन मतलब डेल क्यू क्या होना चाहिए उसका, 0। अच्छा यहाँ क्यू दे रखा है, कोई बात नहीं, क्यू के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, क्यों वहाँ पर 0 होगा, क्यों, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर हम दे ही नहीं रहे, तो टेम्परेचर 0, अब वर्क डन कैसा होगा वो भी 0, तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन के लिए क्यों कैसी होती है, 0, तो ये तो दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो कितनी जल्दी करना है, अब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि क्यू तो 0 हो गया। अब बात करते हैं इसमें कम या ज़्यादा हो रहा है, तो जब हम टेम्परेचर नहीं दे रहे, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर कैसा होगा, 0, तो वर्क डन कैसा होगा, 0, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 105,
अगर हम लोग बात करें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ दे रखा है बेंजीन का इतना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी इतना इतना कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बेंजीन, राउंडिंग ऑफ में बताना है, ठीक है। तो आप लोग क्या जानते हो, डेल टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू मोलालिटी, ये होता है फॉर्मूला। इसी मोलालिटी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते थे, क्वेश्चन को कैसे कहाँ तक ले जाते थे मालूम है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता था, गिवन मास यानी नंबर ऑफ मोल्स, पहले एन बी लेते थे, डिवाइडेड बाई क्या चला जाता था, डब्ल्यू ए। अब इस एन बी को खोलते थे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए आ जाता था यहाँ पे, ठीक है। फिर अब मालूम पड़ा कि ये किलो के जी में होना चाहिए, अगर हम ग्राम में निकाल रहे हैं तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई क्या करते थे, एम बी इंटू क्या हो जाता था, डब्ल्यू ए, लेकिन किस में, ग्राम में। तो ऐसा करके लाते थे। फिलहाल के लिए इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा है, सॉल्ट दे रखा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो के एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के एफ की दे रखी है इसने 5.12 इंटू मोलालिटी दे रखी है 0.0078। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.39 समथिंग, तो इसको राउंडिंग ऑफ में आ जाएगा 0.40, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ ठीक है, अच्छा तुम भी वॉच कर रहे हो उधर, देखते रहो, कोई बात नहीं है। अभी स्टूडेंट हैं हमारे, तो स्टूडेंट क्या है कि अब आराम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कल उन्होंने पेपर दिया, तो पेपर देने में आराम करना ज़रूरी है। हम भी पेपर देते थे तो 2 दिन रेस्ट लेते थे कम से कम, क्यों, क्योंकि पेपर देने में तो मालूम ही नहीं पड़ता था, जब पेपर होता था तो ऐसा लगता था कि अच्छा भाई कुछ किसी ने वजन रख दिया है, तो अभी बहुत सारा वजन होगा कुछ बच्चों का, तो मैं इसलिए सॉल्व करके डाल रहा हूँ कि जो भी बाद में देखे, मेरा काम है, मैं अपना करता रहूँगा, बाकी बच्चों का काम है, बच्चे अपने हिसाब से देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलो फिलहाल के लिए आगे बताते हैं। तो अपने पास कितना आ गया, 0.40 इसका आंसर होगा। अच्छा आंसर देख ही लिया था हमने, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, 105 हो गया। अच्छा इसका आंसर थर्ड है, ये ध्यान रखना है आपको, 106 करते हैं। 106 अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर में, तो इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मोल्टन CaCl2 एटॉमिक मास इतना इतना। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें यहाँ पर, तो कैल्शियम CaCl2 में कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी, +2, यानी कि अगर मैं 1 मोल लूँगा तो 1 मोल कितने फेराडे मुझे कितना चार्ज रिक्वायरमेंट होगा। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुझे गेन कराने हैं, तो CA इस प्रोसेस के लिए मुझे कितना अप्लाई करना है, 2F इस रिएक्शन के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, 2, तो 2 के अकॉर्डिंग मुझे 2F हो गया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होता है, गिवन मास मॉलिकुलर मास, तो इसका गिवन मास कितना कह रहा है हमें, 20 ग्राम में यानी मोल्स में करना है। इसका मॉलिकुलर मास कितना हो गया, इतना, कितना आ गया इसका, 0.5 मोल्स, यानी कि अगर इसका 1 मोल ले लिया जाए तो 2 फेराडे, और फिर 0.5 मोल्स में कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो 0.5 × 2, तो कितना हो गया हमारे पास, 1 फेराडे विल बी द आंसर, ठीक है। समझ में आया कुछ, अगर कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल के लिए कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी, 2F, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन इतना इतना, 20 ग्राम के अकॉर्डिंग देख रहा है। 1 मोल का मतलब कितना होता, 40 ग्राम, और 20 ग्राम का मतलब क्या है, वही 0.5 ग्राम, तो हाफ में कितना हो जाएगा, 1 फेराडे, आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 हो गया, 7 आ जाइए। अगर हम बात करें रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, चलो देखो ये हमारे पास बेंजोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन है,
दिस इज़ द एसीटोफिनॉन नॉन बेंजोफिनॉन, ठीक है, इसको एसीटोफिनॉन बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड, तो मान लो अगर इसके 2 मोल्स होते तो कैनिजेरो होता, इसके 2 मोल्स होते तो कैसा होता, अगर इसके 2 मोल्स होते तो कैनिजेरो होता, इसके 2 मोल्स होते क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा के साथ एल्डोल होता था, अगर एब्सेंस ऑफ अल्फा है उसके साथ कैनिजेरो होता था, समझ रहे हो। अब लेकिन यह क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट है, एक अलग ले रखा है अल्फा वाला ले रखा है, एक विदाउट अल्फा ले रखा है, तो अगर हम लोग बात करें इसको तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोबारा से सुनिएगा, अगर मान लीजिए 2 हमने कुछ ऐसे ले रखे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको बोलते थे क्रॉस कैनिजारो, लेकिन एक जिसमें अल्फा है एक जिसमें अल्फा नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल्स को लेंगे, दैट इज नोन एज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ बात समझ में आई, जैसे हम लोग बनाते थे ना 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, इसमें NaOH लगाया तो NaOH के साथ क्या बनता था, CH3OH प्लस क्या बनता था CoOn, ठीक है, फिर इसको एसिड कैटलाइज करते थे, एसिड कैटलाइज से फिर फॉर्मिक एसिड बन जाता था, दिस इज नोन एज द कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले रखा है, तो बेंजल्डिहाइड के साथ अगर हमने NaOH कर दिया तो उसके केस में भी क्या होता था हमारे पास, दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन सा होता था, कैनिजारो का मतलब है कि यहाँ पर 2 मोल्स का होना और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपने पढ़ा था, जो आपने पढ़ा होगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता था, जैसे CH3CHO है, इसके 2 मोल्स हो गए, ठीक है, अब हमने बेस डाला इसममें, बेस डालने पे जैसे कि NaOH, फिर क्या होगा CH3, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लें तो ज़्यादा सही समझ में आएगा आपको, यहाँ से CH ऐसे कर लिया करो CHO, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया फिर CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको क्या बोलते थे हम लोग, अल्फा, क्योंकि ये CHO है पूरा ग्रुप, अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज नोन एज द अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें अल्फा है इसमें नहीं है, तो कौन सा वाला होगा, दिस इज द आंसर 108। अच्छा ठीक, देखो ध्यान दो, इसमें अगर हम लोग बात करें, हाँ तनिष्का भी है ये बिल्कुल सही, तो देखो इसमें क्या करना है, हाँ देखने हैं आगे वाले भी तनिष्का, इसमें इसमें डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये तो पूरा, जब भी पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात चलती है तो किसका एग्जांपल होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी उसको बोलते हैं पेपर के साथ, ठीक है, बाकी क्या होता है कॉलम बनते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी वगैरह वगैरह ये सब अलग है, पेपर में कौन सा होता है पार्टीशन वाला। वन जीरो एट हो गया, 109 की बात कर लेते हैं। अब देखो बात चल रही है यहाँ पर कि वे इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं हम, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज इन, तो क्या चेंज हो सकता है, जैसे जैसे हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं उसमें से उसकी कुलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कुलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बाकी का इफेक्ट नहीं होता है, तो कौन सा आंसर होगा, 4th विल बी द आंसर, ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे नंबर ऑफ कुलिजन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कुलिजन बढ़ने पर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, के की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, इस तरीके से 1110। देखो इसमें क्या है कि कोई मिक्सचर है हमारे पास, चलो मैं इसमें कहूँगा आपसे कि कैलकुलेट करो, आपसे कैलकुलेट करवाऊँगा, थोड़ी वैल्यू दूंगा तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, चलो चलते हैं एक बार।
स्टेट्स ऑफ मैटर से लिया गया है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ए मिक्सचर N2 आर्गन गैसेस सिलेंडर कंटेनर 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। इफ द टोटल प्रेशर मिक्सचर गैसेस इज इतना पाया गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? देखो इसमें क्या करेंगे हम, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले पी टोटल तो मालूम है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे तो उसके केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, ये होता था ना NV डिवाइडेड बाई NV प्लस NA मोल फ्रैक्शन के लिए। तो N2 प्लस ये क्या आंसर दे रखी है, आर्गन। ठीक है, तो उसके केस में क्या करो, पहले नंबर ऑफ मोल्स इसके नाइट्रोजन के निकालो, कितने दे रखे हैं 7 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना 7 ग्राम प्लस में कितना आएगा 8 ग्राम। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको, ध्यान से देखना, बता सकते हो आप कैलकुलेट करके अभी की अभी कितना होगा, ताकि हम जल्दी करें, क्योंकि ये हमें ख़त्म करना है 1 आवर में। चलो बताओ कौन बच्चा बताएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आया, फिर बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है। ये हम वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, टोटल कितना है हमारे पास 27, इस वैल्यू को पुट करिए आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नियरली आएगा सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने पर 15 बार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं, 109 हो गया, 10 था क्या, 10 हो गया ये वाला, 13 करते हैं, 13 का मतलब 11। देखो अगर हम बात करें ट्रिपल वन वाले की, तो इसमें क्या होगा, क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। रॉट आयरन यानी आयरन की कई सारी फॉर्म होती हैं, जिसमें पिग आयरन होता है, ठीक है, रॉट आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए रॉट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की वो कौन सी होती है, रॉट आयरन। रॉट आयरन में 0.001% कार्बन पाया जाता है, अदरवाइज तो कार्बन बिल्कुल रहता ही नहीं है, ना के मुताबिक, बिल्कुल ना के मुताबिक। जबकि ये क्या कह रहा है, 4% कार्बन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब कह रहा है ब्लिस्टर कॉपर इज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। जब ब्लिस्टरिंग कॉपर करते हैं तो हमारे पास कौन सी मेथड होती थी, हॉरल्ट प्रोसेस, हॉल हेरोल्ट के हिसाब से करते थे, है ना। अब कॉपर के साथ CO2 इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कॉपर मड वगैरह बनती थी, ठीक है ना, एनोड पर कॉपर मड बनती थी, तो CO2 इवॉल्व नहीं होती है। अब अगर हम लोग बात करें वेपर फेज की, तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक मॉन्ड प्रोसेस होती है, तो मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होती है, निकल के लिए, निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस अप्लाई होती है, और टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए कौन सी है, बेनर्कल प्रोसेस अप्लाई होती है। तो ये कह रहा है वेपर फेज रिफाइनिंग कैरिड आउट फॉर निकल बेनार्कल मेथड, ये भी गलत है भाई, निकल के लिए तो कौन सी होती है, मॉन्ड प्रोसेस होती है। अब पिग आयरन को क्या है, डिफरेंट शेप में बोल देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन, डिफरेंट शेप में ये मोल्ड अप हो सकता है। तो कौन सा आंसर होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, देखो अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा और उसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा। अब बात करते हैं थोड़ा, अब टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो कुछ ये ऐसे करके होगा, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने अल्फा हैं, 9,
टोटल 9 अल्फ़ा, जबकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में कितना, ओनली 1 अल्फ़ा, विच वन इज़ द मोर स्टेबल, दिस वन। तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब कोई बच्चा कहे सर माइनस आई या प्लस आर क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं? देखो ध्यान रखना, सबसे पहले चलता है आर ही है ना, उसमें भी एरोमेटिक रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, तो आई नहीं देखेंगे। और वैसे भी माइनस दे रखा है तो माइनस तो होता ही नहीं है, प्लस आई होता है। 112 हो गया, 113 करते हैं, 113 ठीक। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा होगा। अगर सोडियम लॉराइल सल्फेट की बात करें तो ये एनायनिक डिटर्जेंट है, स्टीरेट की बात करें ये भी एनायन है, और सोडियम ड्यूडोसाइल बेंजीन सल्फेट ये भी एनायन है। तो ये जनरली जो यूज़ होते हैं ये एनायनिक डिटर्जेंट बोले जाते हैं, जबकि कैटाइन कौन सा होगा, सीटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जनरली ये कैटायोनिक डिटर्जेंट होता है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हेयर कंडीशनर वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे नेगेटिव वाले हैं। फोर्टीन देख, 14 ये रहा। देखो 14 में क्या है, इलिमिनेशन है ना, इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane फ्रॉम pentoene। देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कर लिया, इलिमिनेशन ऑफ 2-bromo, ठीक है। एल्कोहलिक KOH डालेंगे इसमें, एल्कोहलिक KOH डालने पे क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है हमारे पास, ये बीटा डैश है। तो यहाँ पर दो रूल अप्लाई होते हैं, कौन कौन से बताओ, यहाँ पर दो रूल अप्लाई होते हैं, एक तो सैड जैब और एक कौन सा होता था, जेड सैब जिसको बोल सकते हो, एक है हॉफमैन। सैड जैब क्या करता था, यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द मोर स्टेबल। तो देखो यहाँ से अल्फा से तो ये जाएगा, और बीटा से मान लो अगर ये गया तो यहाँ पर, दोनों तरीके से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बीटा डैश का प्रोडक्ट है, ये बीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे तो बनेगा CH3, बीटा डैश के अकॉर्डिंग CH2, CH डबल बॉन्ड, CH और CH3। अब ये जो एल्किन बना है इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्यों है, 1 येरा और 1 येरा, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। अगर हम लोग बीटा के अकॉर्डिंग करते हैं तो बीटा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसके केस में यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मिल रहा है हमें, ओनली 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सैड जेब वाला। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें तो दोनों बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है, सैड जेब रूल होता है, बिल्कुल सही है। डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकला है, हैलोजन भी निकला है, तो इसको क्या बोलेंगे, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रेशन तो कहेंगे नहीं, फोर्थ वाला गलत है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। अब थोड़ी बात करते हैं आगे, वन फोर्टीन हो गया, हाँ भाई राउल्ट्स लॉ, ये तो सारे बच्चों ने याद कर लिया होगा। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो केस होते हैं वो कौन सा होता है, राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो कौन सा वाला होगा, इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं, नेगेटिव। वन सिक्सटीन देखो, हाँ भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है, साइनाइड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेक्ट्रो फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उतना ज़्यादा उसकी सीएफएसई ज़्यादा होती थी। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो ये तो हट जाएगा, एक तो यहाँ से कौन से हट जाएंगे, दिस वन, दो तो पहले से चले गए क्योंकि साइनाइड से शुरू होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहाँ आ गया। अगर आप देखेंगे तो थायोसाइनाइड बाद में आता है, फ्लोरीन पहले है, ठीक है, तो कौन सा आंसर चला जाएगा हमारे पास, फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनको इसलिए जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। मेरा ये है कि अगर कोई पीछे बच्चा देखेगा तो वो आराम से देख सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें बेसिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एमीन होगा, ये बेसिक एमीन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनमें सब में, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक है, लाइसिन। कहाँ से स्ट्रक्चर सारी देखो, एमीन वाले चैप्टर में से, क्योंकि ट्रायोसिन में तो क्या है रिंग होती है, तो रिंग के हिसाब से क्या है वो फिर कॉन्जुगेशन में आ जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 17 हो गया, 18 देखो, ये जब हम लोग NaCl पढ़ते थे ना, NaCl का PPT आता था, वेपराइजेशन वगैरह करते थे हम, PPT आउट होता था, तो उसमें NaCl में क्या होता था कि क्रूड NaCl में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती थी, बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट होती थी, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट वगैरह वगैरह के, ना, जिसको हम लोग PPT आउट कर लेते थे। तो कौन सा वाला हमें ऑप्टेन होता था, NaCl, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा, NCERT में ही दे रखा है ये सारी थ्योरी, तो वहाँ से मिलेगा। बाकी अभी आपको चेक करना है कि कैसे वाला ये होना था। 18 हो गया, 19 आ गया। 19 में पूछा नेचुरल पॉलीमर कौन से होंगे, तो ये पॉलीमर का क्वेश्चन है। रबर दो तरीके की होती हैं, एक तो नेचुरल होती हैं, एक आर्टिफिशियल होती हैं। अगर हम बात करें नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर कौन सी होती थी, दिख रहा है ना साफ, हाँ, अभी थोड़ा मुझे जल्दी है, जल्दी बस इसी बात की है कि करना है सारा ही सारा, 45 क्वेश्चन ख़त्म करने हैं। आप लोग कैसे करके आए होंगे एक घंटे में, तो मैं ट्राई मार रहा हूँ, मतलब वन एंड ज़्यादा लगेगा ही लगेगा क्योंकि समझाना भी है आपको। तो क्या है कि अगर हम बात करें रबर कितने टाइप की, टू, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर हम नेचुरल रबर की बात करते थे तो कौन सा होता था हमारे पास, आइसोप्रीन। अगर हम सिंथेटिक रबर की बात करते थे तो कौन सी होती थी, नियोप्रीन। तो ये एग्जिस्ट करती रहती थी सिस फॉर्म में, ठीक है, और वो पॉलीमर बनता जाता था। नेक्स्ट देखिए, 13 ये हो गया। सेवनटीन हो गया, 18 हो गया, 19 भी हो गया, देखो 20 करते हैं। 20 वाला ही है। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, बता रहे हो, एक आध बच्चा है भी नहीं है, अच्छा चलो भाई बताओ क्या करके आए हो, ज़्यादा नींद ले रहे हो क्या, हाँ लेनी तो चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, नॉट करेक्ट, तो सही है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, हाँ कम करता है ऑक्सीजन को, जब ब्लड में जा रही होती है ऑक्सीजन तो उसको कम करता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, और हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो होता है कार्बोक्सी बॉन्ड बना लेता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है,
जहाँ ये लेस स्टेबल दे रखा है वो कैसा होता है, मोर स्टेबल देन दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बना लेता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता था, उसको बोलते थे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज मोर स्टेबल, कई टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, थर्ड विल बी द आंसर। अच्छा इनकरेक्ट बताना था, थर्ड ही है। 21 अगर हम बात करें 21 की, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कह रहा है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो सुक्रोज देख लो भाई, C12H22O11 प्लस हाइड्रोलिसिस कराएंगे क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस फॉर्म में बनते हैं ये, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, तो है नहीं है, ठीक है। कौन सा होगा, ये भी नहीं है, ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ये ठीक है। तो थर्ड विल बी द आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 122 हो गया क्या, 122 अच्छा। कह रहा है द फॉलोइंग आइंस एक्टिवेट मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विद सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल हमारे जो आते हैं यानी कि दिल की धड़कनें जो ढूंढती हैं घूमती हैं वो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। तो सोडियम अगर है तो सोडियम के साथ कौन सा होगा, पोटेशियम होगा ही होगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 31 ईयर में, बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हुए पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। कौन सा हो गया हमारे पास, 122 हो गया, 123 देखो। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम गिवन मास मॉलिकुलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आप करोगे तो सबसे ज़्यादा किस में निकल करके आ जाएंगे, लिथियम वाले में से, ये तो निकाल ही सकते हो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे हमारे पास, लिथियम, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से। नेक्स्ट देखिए 24 इसको भी कर लोगे, कर तो सारे लिए होंगे, एक बार चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, क्या प्रोटॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है, फिर पूछा है इलेक्ट्रॉन। पहले ये देख लो क्या क्या पूछा है, तो प्रोटॉन हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है तो वैसे ही होंगे जितना के है, 71। क्या है न्यूट्रॉन पूछे, न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड, तो ए कितना है हमारे पास, 175 माइनस 71, तो कितने आएंगे न्यूट्रॉन, 104। क्या पूछा है इसने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना प्रोटॉन, अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो। इलेक्ट्रॉन का नंबर कहाँ पे बदलता है, जहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 71। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 125। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है कि मान लो अगर आप मीथेन का करते हो तो यहाँ x निकालते हो, तो x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 4। अगर यहाँ CCl4 बना तो x प्लस 4, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस 4 से प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने। 125, 126 में क्रोमियम D4 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस, बिल्कुल सही है।
क्यों कह रहा है, मान लो अगर हमारे पास डी फोर है तो डी अगर कोई नहीं दे रखा होता तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले रखा होता है, सिक्स, और फिर उसमें भी हाई स्पिन। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा डी फोर कैसे लिखूंगा, वन टू थ्री एंड फोर, मान लो ये डी फोर सिस्टम है मेरे पास। अगर मैं डी सिक्स सिस्टम करूंगा तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है मुझे, ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या है, हाई स्पिन, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब ये कह रहा है जल्दी से इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये निकल सकता है या फिर ये निकल सकता है। तो बात करें अगर हम लोग इसकी, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाफ फील्ड बन जाएंगे तो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो अब निकलेगा किस में से, जिसका साइज़ बड़ा ज़्यादा होगा, साइज़ किसका बड़ा है, क्रोमियम का ज़्यादा बड़ा है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो निकले किसका ज़्यादा, जिसका साइज़ बड़ा हो, तो ये बिल्कुल बात सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड नोन कैटलिटिक एक्टिविटी। हाँ, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज द कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, क्या इनकरेक्ट बताना, ठीक है। इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या होते हैं, मान लीजिए कुछ छोटे स्मॉल एटम्स होते हैं उनको ट्रैप कर दिया जाता है किसी सीट के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड। वो छोटे स्मॉल एटम क्या हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, तो शायद देख लेते हैं एक बार, यही गलत होगा फिर, तो माइनस टू है, तो यहाँ पे निकालें तो एक्स प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस टू, ये माइनस का एट है इधर जाएगा तो प्लस का एट हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस का सिक्स। अगर हम लोग सी आर टू ओ सेवन में इसमें करें तो टू एक्स प्लस सेवन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, तो टू एक्स इज इक्वल टू ये फोर्टीन हो गया, फोर्टीन इधर तो कितना हो गया ट्वेल्व, तो ट्वेल्व, ठीक है, तो इधर ये हो गया तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई टू, तो कितना आ जाएगा सिक्स। तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी है, सेम, जबकि ये क्या कह रहा है, नॉट सेम, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दिस वन, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन, 120 कौन सा हो गया, 625 हो गया, 26 हो गया ना, 26 हो गया, 27 करते हैं 27। देखो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखा है, टू क्लोरीन गैस है और यहाँ पे क्लोरीन ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया, पहले एटम था कंबाइन होके ये बन गया। तो अगर हम बात करें इसमें एंट्रोपी चेंजेस की, तो यहाँ पे पहले कितने एटम थे, दो अलग अलग थे तो एंट्रोपी ज़्यादा थी, अब इसमें कितना हो गया, इधर वन, तो एंट्रोपी कैसी हो गई, गैस मॉलिक्यूल की कम हो गई, तो एंट्रोपी लेस देन जीरो, मतलब यही। अब एंट्रोपी पॉजिटिव तो हुई नहीं, नेगेटिव हो गई, मतलब कम हो गई है, पहले यहाँ पे एटम कितने ज़्यादा है ना इधर गैस के, तो जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी रैंडमनेस, जैसे ऐसे हिलना डुलना सब कुछ करना, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस कुछ भी बोल लो, साइंटिफिक क्राइटेरिया ले लो एंट्रोपी, बाकी कुछ भी बोल सकते हैं, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ये सब, तो इसकी डिसऑर्डरनेस कम हुई है यानी लेस देन जीरो हुई है, तो पहले ऑप्शन हटा लें इसको, ग्रेटर देन जीरो हो रही है, ग्रेटर देन जीरो हो रही है, हटाओ पहले दो क्वेश्चन को, हटा लो ऑप्शन को। अब दो पे बात कर लेते हैं, अब यहाँ अगर हम बात करेंगे चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी में क्या हुआ है, यहाँ पे दो एटम थे तो उसकी एंथैल्पी कैसी थी वहाँ पर, पॉजिटिव, अब एंथैल्पी कैसी हो गई, नेगेटिव, कम हुई, क्योंकि वो किसकी फॉर्म में चला गया, यहाँ पे टू है नंबर में, यहाँ पे कम है, तो कौन सा होगा, ये भी नेगेटिव हो गई, तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 128, क्वेश्चन नंबर 128। हाँ, जीटा पोटेंशियल, देखिए इसमें क्या है कि जैसे सरफेस केमिस्ट्री में होता है दो लेयर होती हैं, ठीक है, दो लेयर के बीच में एक पोटेंशियल लेयर डेवलप हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। वो क्या करती है, कोलाइडर सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, उसी को क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स, जीटा पोटेंशियल यूज किसकी प्रॉपर्टीज को, उनके बीच, ठीक है। 128 हो गया, 129 देखो भाई, ये कह रहा है यूरिया,
ठीक है, यूरिया NH2CO NH2 रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू बी। ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराएंगे तो अमोनिया बनेगा प्लस CO2 निकल जाएगी जो भी है, ठीक है, H2O निकल जाएगा, अमोनिया बना तो ये हमारे पास B बना थ्रू, अच्छा ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अमोनिया के मान लो 4 ले लेते हैं हम लोग, ब्लू कलर इस सी इज़ फॉर्म डीप ब्लू कलर, ठीक है, पहले इसका ब्लू कलर रहा होगा, अब ये इसका डीप ब्लू कलर इसके कंपाउंड में बन जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। तो सी क्या होगा, सी ये रहा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। अब देखो कितना वाला हो गया, तो 130 करते हैं, 129 हो गया, मैच करना है भाई साहब आपको, मैच में क्या है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पहले ये लगा लो, हटाओ, टेम्प्रेरी हार्डनेस, ये सिंथेसिस गैस है, टेम्प्रेरी हार्डनेस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है, तो फिर तो आप समझ ही गए क्या क्या करना है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इसका आ गया, तो यानी कि ए का हमारे पास क्या हो गया, ए का थर्ड, बी का क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट, सी का क्या आ गया हमारे पास सेकेंड, डी का क्या आ गया हमारे पास फोर्थ, ए का थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ए विल बी द आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, आज आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि एक आध बच्चा करके आया होगा वो तो सो रहा होगा, बाकी जो बच्चे नहीं करके आए वो थोड़ा सा उनको देखना जरूरी है, मैं तो कहता हूँ सारे बच्चों को देखना जरूरी है। बेसिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना, ये एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक है, ठीक है, तो ए का क्या आ गया हमारे पास न्यूट्रल, बी का क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट, सी का क्या आ गया हमारे पास एम्फोटेरिक, तो डी का क्या आ गया हमारे पास थर्ड, तो देख लेते हैं कौन सा वाला है, ए का सेकंड, तो एक ही दे रखा है ये तो अच्छी बात है भाई, ए का सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इसका थर्ड, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ये वाला आंसर। अब आ गया हमारे पास, अच्छा 132, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 135, मतलब 45 क्वेश्चन है, ठीक है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, द टाइम रिक्वायर्ड, रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इतना इतना रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, क्या होता था बताओ, 1/T½, इसको ऐसे कर लो, वन बाई के, ठीक है, लॉग ऑफ क्या है ए, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास T½। तो इसमें क्या पूछा, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे इतना, टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, T½ पूछा है, तो 1/106 इंटू लॉग ऑफ कितना दे रखा है ये, ठीक है, 2/0.2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो ये 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। और एक और चीज जो हमने ध्यान नहीं दिया, इसका इतना, ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास 10^-3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास, है ना, नियरली आएगा 500 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट करो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास
ये वाला 133 ओजोनलिसिस कराना है इसका। ओजोनलिसिस पे पूछा है मिथेनल, मिथेनल क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, मिथेनल बोल सकते हैं उसको। तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन ओजोनलिसिस कराते तो इसका कैसे आएगा, यहीं पर बता दूँ या थोड़ा करके दिखाऊँ, करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ओ रखो प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ सी एच ओ सी एच थ्री, तो ये तो मिथेनल नहीं बना, एसिटाल्डिहाइड बन गया है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब इसको थोड़ा तोड़ के देख लेते हैं, जहाँ पर एल्कीन होगी वहीं पे काम करेगा ओजोन, ठीक है। इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए वहीं पे तोड़ दो आप लोग, तो सी एच टू सी एस टू सी एस थ्री, और यहाँ पे क्या है अपने पास, तो ये भी नहीं बना मिथेनल, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से तोड़ते तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होगा, तो यहाँ से तोड़ते तो बिल्कुल आंसर होगा। क्या आ रहा है हमारे पास, लाइक दिस प्लस और माइनस, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड विल बी द आंसर, कौन सा चल रहा है ये 130। क्वेश्चन नंबर करते हैं 134 लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो भैया इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड्स बाई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसके लिए अप्लाई होती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो एन हेक्सेन इवन नंबर है, 6 कार्बन होंगे, ये भी ब्यूटेन हो जाएगी अप्लाई, हेप्टेन के लिए नहीं होगी, ये भी हो जाएगी, तो आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, एन हेप्टेन। इसकी गुड यील्ड जो होती है इवन नंबर कार्बन एटम के साथ होती है, ऑड नंबर के साथ नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में 135 कह रहा है एनी सॉल, एनी सॉल की अगर बात करें हम, दिस इज द एनी सॉल, ओ सी एस थ्री होता है एनी सॉल, क्लीवेज कर देते हैं हम लोग एच आई के साथ, तो यहां से टूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फिनॉल के साथ साथ सी एस थ्री, ठीक है, कौन सा होगा दिस, ठीक है जी। ये थे हमारे पास क्वेश्चन 45, कौन से वाले, अच्छा ठीक है, ये थे जो आपने कल दिए थे। अब मेरा काम हो गया, मैं अपना काम करता रहता हूँ, बाकी सोचता नहीं हूँ कौन बच्चा देख रहा होगा कौन बच्चा नहीं देख रहा होगा, मेरा जो काम है वो जरूर करूँगा। मैंने कहा था ना आपको एक लेक्चर में समझाया था कि एक हमारे सर थे, उनको पढ़ाने का बड़ा शौक था, वो अपना एक बच्चे के साथ ही, बच्चे भी नहीं थे उस दिन लगे थे, तो हमारा भी काम है, हम करते रहेंगे अपने काम को। बाकी रही बात करना ना करना आपकी मर्जी है, और कल करते हैं फिर, अभी एडवांस को फोकस करना है 27 को, और एडवांस के बाद फिर 11 12th के लिए 1 घंटे केमिस्ट्री चलती रहेगी, और अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे डेवलप करते रहो ताकि आपका कोई भी पेपर हो, वट एवर नीट है IIT JEE है, और आराम से निकालते रहो, 1 घंटे कराते रहेंगे आपके लिए, हमने नाम कर दिया 1 घंटा सोच रखा है कि सारे बच्चों के नाम कर ही देंगे, अभी IIT एडवांस को फोकस करेंगे, 27 का एग्ज़ाम है उसके लिए 8 o'clock से रेगुलर 8 o'clock से क्लास चलेगी। वो टाइम का देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एक जिम्मेदारी कब बनती है, जब मान लो बहुत सारे बच्चे आते हैं तो एक टीचर की भी जिम्मेदारी हो जाती है, वो रेगुलर वे में लेता रहता है। अभी मेरे जिम्मेदारी उतनी नहीं आई है, ठीक है, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, वो अलग वाली बात है, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं आई। जिम्मेदारी का मतलब क्या है, बच्चों का आना। अब बच्चे क्या है, किसी दिन आ गए एक, किसी दिन आ गया दो, और चल रहा है सिस्टम, चल रहा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं आते। अगर हमारे बच्चे आने शुरू कर दें तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लो कितने बच्चे आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहे वो अलग वाली बात है, कुछ ना कुछ बिजी हैं। आजकल तो पबजी भी चला गया, ये खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही खुशी हुई कि भाई पबजी चला गया इंडिया के अंदर से, ठीक है। और फिलहाल जोश में बने रहिए, फिर करते हैं, और अभी IIT एडवांस वाले बच्चों को देखेंगे, 26 तक उनकी क्लास लेंगे, और इवनिंग 8 o'clock, देन 27 के बाद पूरे के पूरे 11 12th के लिए, मतलब नीट प्लस JEE दोनों का ही रहता है हमारा, तो करते हैं फिर, है ना।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहो, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, ओके, गुड नाइट।